बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी में इन दिनों तूफान उठा हुआ है। पत्नी आलिया संग नवाजुद्दीन की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं उनके भाई के साथ उनकी लड़ाई अलग ही मोड़ ले चुकी है। बीते रात नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपनी माँ से मिलने वर्सोवा स्थित बंगले पर पहुँचे थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें माँ से मिलने से रोक दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी माँ से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाई और माँ की केयरटेकर उनको मिलने जाने नहीं दे रहे थे। एक्टर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। इसी वजह से नवाज को माँ से मिलने से रोका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी देहरादून से कल आने वाले थे, मगर माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो जल्दी आ गए। जब नवाज वर्सोवा वाले बंगले पर पहुंचे तो उनके भाई ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद एक्टर लौट गए। कुछ दिनों पहले ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक्टर लोगों को छोड़ देते हैं। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया था कि नवाज ने अपने किसी भी भाई का करियर बनाने में मदद नहीं की। वो कहते हैं कि मैंने बहुत टीवी किया और कुछ शो भी डायरेक्ट किए। नवाज ने फिर मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा था। उसने कहा कि वो उन लोगों के साथ काम करना चाहता है जो उसके अपने हैं। 2019 में मेरी फिल्म बोले चूड़ियां रिलीज हुई थी। मैं सच कहूं तो मैं नवाज को उस फिल्म में नहीं लेना चाहता था। उन्होंने आगे बताया कि नवाज ने फिल्म में काम करने से प्रोड्यूसर को मना कर दिया था और कहा था कि उनका पैसा उन्हें दिया जाए। इसकी वजह से फिल्म रुक गई थी। बाद में एक्टर की बात को माना गया। वो दिखाना चाहते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने ये भी कहा कि उनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं है, वो हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भाई का करियर बनने में मदद नहीं की। वो हमारे लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन जैसे उसकी इमेज है वो बिल्कुल मुश्किल इंसान है, वो लोगों को छोड़ देता है। आलिया और मैं इस बात के दो उदाहरण हैं। आलिया की बात करें तो उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आलिया का इल्जाम है कि एक्टर ने उनका बलात्कार किया। इसके अलावा आलिया के वकील ने भी एक्टर पर कई बड़े इल्जाम लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्टर ने आलिया को टॉर्चर किया था। उन्हें खाने, सोने और टॉयलेट तक जाने की इजाजत नहीं थी।